मांडू प्रखंड से बारूघुट्टू मध्य से मुखिया प्रत्याशी रायसा खातून का चुनावी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। रसीदा खातून पंचायत में लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए मत मांग रही हैं। रायसा खातून अपने पंचायत में प्रिंस कॉलोनी 2 नंबर कुआं वीरसा मैदान में लगातार मतदाताओं के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही है और आगामी चुनाव में जनता से समर्थन मांग रही है। वहीं इसके अलावा जनता से भी रायसा खातून को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। रायसा खातून ने जनता से कहा कि उन्हें सेवा का एक बार मौका जनता अवश्य दे ताकि वह पंचायत का चहुमुखी विकास कर सके। चरही से शोहेब की रिपोर्ट। फेरू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फेरू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रईसा खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम रईसा खातून, बारूघुट्टू मध्य से मुखिया के उम्मीदवार। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं बारूघुट्टू मध्य से तो अपने पंचायत का विकास किस तरीके से करेंगे आप? अपने पंचायत का विकास वृद्धा पेंशन, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और सरकारी सुविधाओं का विकास कर नजर रखते हुए विकास करेंगे। महिलाओं के लिए विकास शिक्षित करेंगे और गरीबों को मुआवजा दिलाएंगे। विस्थापन का जो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, विस्थापन का जो भी अभी बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समा परवीन है। समा परवीन जी, आप किस पंचायत से? बारूघुट्टू मध्य से। बारूघुट्टू मध्य से जी। तो बारूघुट्टू मध्य का जो अपना वोट जो है रईसा खातून को देना आप चाहते हैं? किनको देना चाहेंगे? रईसा खातून को। रईसा खातून को ही क्यों? वो इसलिए को महिला का दर्द समझ सकती हैं और वो आगे जा करके जो बीता हुआ काम है वो कर सकती हैं। जो हम लोग का भी जो काम है जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर जैसे फिर बहुत सारा लेडीज लोग का प्रॉब्लम है, विस्थापन का सबसे बड़ा काम है। वो अगर एक लेडीज़ का दर्द समझ करके घर घुस करके सबको साथ लेकर के सबको विकास करवाएंगी, इसलिए हम लोग रईसा खातून को ही वोट देना चाहते हैं। आपको भरोसा है कि भरोसा है ये पंचायत का विकास कर पाएगी? हाँ, कर पाएंगी।